मेरा नाम सुलेखा है और मैं आज आपको बता रही हूँ कि चिकन के साथ आलू कैसे बंगाली स्टाइल बनाया जाता है। ये देखिए चिकन, ये आलू है। तो अभी आप देख रहे हैं ये आलू कट चुका है, मसाला पीसना है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चा। ये देखिए ये अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट है और प्याज पेस्ट है। अब आप प्याज, छोटे छोटे प्याज काट के, आलू को काट के, अब हम इस तरह काट लिए हैं। हम कढ़ाई बैठा चुके हैं। अब देखिए तेल, इसमें तेल डालना है। इसमें अब हम सरसों तेल डाल रहे हैं। देखिए सरसों का तेल, सरसों का तेल डाल चुका है। अब इसमें लौंग, इलायची, जीरे, दालचीनी डालेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसमें दालचीनी, उसमें प्याज डालेंगे। फ्राई करके चिकन को डालेंगे। इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल दिए हैं, आलू भी डाल देंगे। ऐसा फ्राई करते हैं। चिकन को ढक देंगे ताकि जल्दी से पक जाए। चिकन को 10 से 15 मिनट ढक देंगे। अब पेस्ट में देखिए क्या क्या मसाला डाल रहे हैं। धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, हल्दी, अब चिकन मसाला, कश्मीरी मिर्च, इसमें आपका कलर होता है ताकि चिकन देखने में अच्छा लगे। ऐसे बीच बीच में ढक्कन खोल दीजिए। ये अब आपका चिकन के लिए मसाला रेडी है। इसको इसे मिक्स कर लीजिए। दस मिनट हो चुका है, आप इसमें मसाला डाल दीजिए। मसाला डाल के इसको फ्राई कीजिए
5 मिनट तक फ्राई करते रहिए। देखिए 5 मिनट तक आप इसको फ्राई करते रहिए, ऐसे करके फ्राई करते रहिए। अब इसमें पानी डाल दीजिए 5-10 मिनट के बाद, और उसके बाद पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद ढक दीजिए पकाने के लिए, पकने के लिए। आलू के साथ चिकन बन चुका है, देखिए बंगाली स्टाइल आलू का सब्जी के रेडी है। बस 30 मिनट में अगर आप देखिए चिकन बन चुका है, और अगर आपको आप सबको पसंद आए चिकन तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.